हेलो फ्रेंड्स आई एम मिली यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ईट्यूड मैथ्स क्लास आर एस अग्रवाल मैथ्स में एक्सरसाइज इलेवन का क्वेश्चन नंबर एटीन है आपके सामने यूजिंग द फॉर्मूला कॉस है इज इक्वल टू वन अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉस टू ए अपॉन टू फाइन द वैल्यू ऑफ कॉस थर्टी डिग्री इट बींग गिवन दैट कॉस सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू वन बाई टू बहुत इजी क्वेश्चन है आपका जैसा कि इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉस टू ए डिवाइड बाई टू तो अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है कॉस थर्टी डिग्री फाइंड करना है तो यहाँ पे आपका ए दिया हुआ है इसी से आपका थर्टी निकलेगा तो आप सबसे पहले क्या कर लीजिए आप लेट कर लीजिए कि एंगल ए इज इक्वल टू थर्टी डिग्री ऐसा करने से क्या होगा कि आप यहाँ पे थर्टी डिग्री लिख पाएंगे और यही जो आपका पूछ रहा है वैसे आपका आंसर आ जाएगा और आप यहाँ पे थर्टी रखेंगे तो थर्टी इंटू टू करेंगे तो सिक्सटी की वैल्यू दी हुई है तो इसीलिए हम यहाँ पे थर्टी ही रख सकते हैं और कोई एंगल नहीं पुट कर सकते तो यहाँ पर हम रखेंगे कॉस थर्टी डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉस टू इंटू थर्टी डिग्री अपॉन में टू फिर हम इसे सॉल्व करते हैं की दी हुई है क्वेश्चन में में फिर हम इसे लिख लेते हैं कॉस थर्टी डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो आपका टू आ जाएगा तो ये हो गया टू प्लस वन अपॉन में टू फिर आप अंडर रूट ऑफ टू प्लस वन होता है थ्री अपॉन में टू अपॉन में टू फिर हम इसे सॉल्व करेंगे अंडर रूट ऑफ ये आपका थ्री बाई टू है ये मान लेते हैं डिवाइड में वन है तो यहाँ पे वन बाई टू हो जाएगा फिर हम इसे सॉल्व करेंगे कॉस थर्टी डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ थ्री बाई फोर अब फोर का जो स्क्वायर रूट होता है आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं थ्री अपॉन में टू इंटू टू टू में से एक पेयर बाहर आ जाएगा तो लेकिन अंडर रूट ऑफ थ्री आपका रह जाएगा और डिवाइड में आपका टू हो जाएगा इस तरह से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थर्टी डिग्री की वैल्यू आ रही है रूट थ्री बाई टू और ये आपका हो जाएगा आंसर तो ये आपका हो गया आंसर फ्रेंड्स तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग